And first up, we'll talk about income tax raids that have been conducted at the premises of the Aam Aadmi Party MLA from Uttam Nagar, that is Naresh Balyan. Now, what we are getting to know from the income tax sources is that around 2.56 crores in cash was seized from his residence during the raids that were carried out by the income tax department. Now, Uttam Nagar lawmaker Naresh Balyan, who's also a property dealer, and others are also being questioned by the tax officials in Dwarka to determine if the recovered cash was illegal or was for unaccounted for. Let's listen in to another AAP leader who has to say on this entire issue. छापे मारना और खबर चलाना केंद्र सरकार के लिए एक आसान काम है, मगर किसी के अंदर कुछ गलती ढूंढना और कोर्ट में उसको सजा कराना वो काम है जो केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है। तो केंद्र सरकार अपने हथकंडे अपना रही है और हमारे साथ तो इन्होंने शुरू ही किया था, दिल्ली में सबसे पहले इन्होंने ये शुरू किया था और अब हम लोगों को आदत हो गई है। अब हम लोग मतलब कि इस चीज़ पर ना परेशान होते हैं, लोग भी सब समझते हैं। और इसी खबर पर जितेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जहां तक अगर आम आदमी पार्टी के बारे में बात करें तो उनका ये हर बात पे यही कहना है कि उनके खिलाफ ये पॉलिटिकल साजिश, पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। लेकिन अगर हम नरेश बालियान के बारे में बात करें, इस इनकम टैक्स रेट्स के बारे में बताइए, क्या क्या अभी तक बरामद हुआ है? देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी डिनायल मोड में है कि जो नरेश बालियान ने बताया था उनके पास पैसे मिला, जबकि हकीकत यह है कि नरेश बालियान करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम लेकर प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पहुंचे थे, जहां पर इनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। बकायदा 8 लोग इसमें टीम में शामिल थे और अब सभी लोगों से पूछताछ हो रही है। करीब 20 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है जब नरेश बालियान से उनके जो रिश्तेदार की दुकान थी, शॉप थी प्रॉपर्टी डीलर की, वहां पर पूछताछ की जा रही है। और भी लोगों को बुलाया गया है और कंटिन्यू जांच चल रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सोर्स क्या है 2 करोड़ रुपए का, कहां से वो पैसा आया है, क्या वो लीगल है या इलीगल है, किस तरीके से और किसको वो देने जा रहे थे। इन सब चीजों को लेकर जो ईडी की टीम है पहुंची हुई है, लगातार जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार हर बार की तरह इस बार भी ये बात को कह रही है कि जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर तमाम केस करे जाएंगे, तमाम जांच की जाएंगी, लेकिन निकलेगा कुछ नहीं। हालांकि इस बार की अगर बात करें तो जो ईडी है उसको साफ तौर पर कहना है कि रंगे हाथ उनको 2 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया है और इसी मामले में नरेश बालियान के साथ पूछताछ हो रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किल इस वक्त बढ़ती नजर आ रही है। जी जितेंद्र, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देयर आर मोर नेशनल न्यूज एज वेल दैट वी आर ट्रैकिंग फॉर यू, टेक अ लुक।